गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्यारे मियां केस में नाबालिग के शव को घर ले जाने के बजाय सीधे शमशान घाट ले जाने को लेकर कहा कि वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक बार पुनः फिर से इस मामले की जांच करने का आवेदन करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने कर्ज माफी का किसानों को धोखा दिया और अब ये किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस को एकजुट करने में लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस जैसे डूबते जहाज में कोई नहीं रहना चाहता। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलनाथ ने कहा था 10 दिन में कर्ज माफ होगा, लेकिन इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के अलावा कोई भी अध्यक्ष नहीं बन सकता, कभी सोनिया कभी राहुल गांधी। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब तो वैज्ञानिकों ने भी वैक्सीन बना ली, अब तो कांग्रेस का अध्यक्ष बना लो। नरोत्तम ने दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो हर बात पर सवाल खड़ा करते हैं। चुनाव हार जाएं तो ईवीएम पर सवाल, केस हार जाएं तो कोर्ट पर सवाल, सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर दे तो सेना पर सवाल, मंदिर निर्माण हो तो मंदिर पर सवाल, वैज्ञानिक वैक्सीन बना ले तो वैज्ञानिकों पर सवाल, और अब सेंसेक्स पीएम मोदी के कार्यकाल में सबसे ऊपर गया तो सेंसेक्स पे सवाल। अगर जीएसटी के कारण गिर जाए तो उस पे सवाल, और बढ़ जाए तो उस पे सवाल, सवाल दर सवाल है। सर्जिकल स्ट्राइक सेना घुस जाए पाकिस्तान के अंदर तो सेना पे सवाल, चुनाव हार जाए तो ईवीएम पे सवाल, केस हार जाए तो कोर्ट पे सवाल, कोरोना की वैक्सीन आ जाए तो वैज्ञानिकों पे सवाल, और आज देश की लिए ग्रोथ हो गई अगर सेंसेक्स में 50% से ऊपर, पहली बार गया इतना ऊपर मोदी जी के नेतृत्व में, तो उस पर सवाल, राम मंदिर पर सवाल, सवाल दर सवाल है। ये लाजवाब है। अब तो वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन भी ढूंढ ली। दिग्विजय सिंह जी, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ढूंढ लो, बहुत दिन हो गए। वो नहीं आएंगे तो कौन को बनाएंगे, वो तय है उनके यहाँ पर, चूंकि वंशानुगत चलता है मामला। माननीय नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, माननीय इंदिरा जी के बाद राजीव जी, माननीय राजीव जी के बाद में सोनिया जी, माननीय सोनिया जी के बाद राहुल जी, माननीय राहुल जी के बाद सोनिया जी, माननीय सोनिया जी के बाद राहुल जी, इसमें नई बात कौन सी है? ये वंशानुगत चलने वाली बेल है। और देखो, ऐसी किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में कांग्रेस है, भईगत साँच छचूदर केरी। वो रे नहीं बनाएंगे तो दिक्कत है, वो बना देंगे तो दिक्कत है। अब वो आगे क्या हुआ खुदा जाने। घेराव करना चाहिए राहुल बाबा का, जो 10 दिन में 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करने का कह गए थे और नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदलने का कह गए थे। 10 दिन के हिसाब से 1 महीने में 15 महीने में 45 मुख्यमंत्री बनना थे, एक ही रहा। घेराव करना चाहिए राहुल बाबा, घेराव करना चाहिए उन कमलनाथ जी का जिनने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2 लाख रुपए 10 दिन में माफ करेंगे, नहीं किए। अब किसानों को बरगलाने की कोशिश नहीं है, ये दरअसल कांग्रेस को इकट्ठा रखने की कोशिश है किसान आंदोलन के नाम पर। कांग्रेस में भगदड़ के हालात हैं, डूबता जहाज है, कोई अब उसमें रुकना नहीं चाहता। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, शराब की नई दुकान खोलना है या नहीं यह फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। जहां तक पत्र की बात है, वो एक विभागीय सतत प्रक्रिया है। इस तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया हर साल चलती है, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को ही लेना होता है। बजट सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि यह केंद्र और राज्य का बजट सत्र होगा, बहुत दिनों बाद शुरू होगा, जिसमें नया देखने को मिलेगा। राज्य सरकार के विकास के लिए केंद्र का अंशदान आना आवश्यक होता है, क्योंकि केंद्र का भी बजट सत्र आ रहा है, राज्य का भी बजट सत्र आ रहा है। दोनों बजट सत्र में म्यूचुअल ग्रांट जो होती है, उसके कारण से इन चीजों पर फोकस अप किया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।